तुम गाओगे? ले लो एक माइक और, एक माइक ले, दो 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 माइक ले लो, ये माइक भी उनको दे दो। ऊँचा इसका, धीरे धीरे से गाओ, पूरा दे दो। हाँ आज कौन बोलेगा, तुम और तुम, और तुम कहो बोले। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य आनंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे तो तुम भी एक भजन गाओ लास्ट में, ठीक तुम लास्ट में। हाँ तुम पहले बोल दो क्या बोलना, बोल दो उसके बाद में बोलो। बोलो खड़ी करो, बोलो टेक करे किसी तो याद उसको बोलो ना, देख लो जितना याद उतना बोलो, उसको निकाल लो।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमानंदम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानंद गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सतीर्थ गुरु भाई समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य दंडवत प्रणाम। गत कल हम लोग गुरुदेव की मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे, वो दशम स्कंद प्रारंभ करेंगे। उसी के पहले कुछ श्लोकों के माध्यम से जो भागवतम में कृष्ण कथा की महिमा और कृष्ण रूप का जो वर्णन किया गया है उसके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे थे। पहला श्लोक जो हमने श्रवण कर किया था उसके अंदर बता रहे थे कि कलो जन्मिष मानना दुख शोक मनोदित। उसके अंदर बता रहे थे कि भगवान कृष्ण जो है वो अभी भगवान कृष्ण के आने के जो कारण है उसके विषय में वर्णन कर रहे थे कि भगवान कृष्ण जो है क्या बता रहे हैं वहां पर कि कलो जन्मिष मानना कि भगवान कलियुग कलियुग जब में जब अवतार लेंगे तो उससे पहले कलियुग की किस प्रकार स्थिति है उसको वर्णन करते हुए कह रहे थे कि प्राप्ते कलियुग द्वारा नरा पुण्य विवर्जित कि कलियुग के जो सब जीव है वो किस प्रकार होंगे वो पुण्य से एक पूरे रहित होंगे उनके अंदर पुण्य का लेश मात्र भी नहीं होगा और सत्य से असत सब समय असत वार्ता में लिप्त रहेंगे कलयुग के जीव। तो उनके उद्धार करने के लिए क्या किया भगवान ने और किस प्रकार के होंगे वो बता रहे हैं दुख शोक मनोदुत दुख और उनके शोक को उसके निवारण करने के लिए भगवान क्या करेंगे कलयुग में अवतरित होंगे। और ये तो कारण हुआ एक गौण कारण किंतु एक मुख्य कारण यहाँ पर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं अनुग्रहाय भक्ताना कि अपने भक्तों को विशेष अनुग्रह प्रदान करने के लिए भगवान अवतरित होंगे। उसके बाद एक श्लोक में हम वर्णन कर रहे थे कि यस्मिन सत्कर्ण पीयूषे यश तीर्थस्य सकृत श्रोत्रांजलि रूपस्य धुनते कर्म वासना। इस श्लोक के माध्यम से गुरुदेव ने वर्णन किया था कि यस्मिन सत्कर्ण पीयूषे कि जो हमारे कर्ण है वो सत्कर्ण कब कहलाएंगे जब उसके अंदर हम यशस तीर्थ हुए सकृत कि यश अर्थात भगवान की कथा अगर हम इन कर्णों से श्रवण करेंगे तब फिर इस कर्ण को सत्कर्ण कहा जाएगा तब इस हमारे स्थान रहने की सार्थकता है। अर्थात यहाँ एक चीज जो शब्द व्यवहार किया गया है यहाँ पर कह रहे हैं यश तीर्थ वरे सकृत तीर्थ वरे अर्थात जैसे किसी लोगों के मन में धारणा होती है कि हम सब तीर्थ स्थानों पर जाकर गए हैं काशी अवंत्या अयोध्या बद्रीनाथ केदारनाथ सब तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करके आए हैं और तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते करते सब कुंड में हमने आचमन भी किया है स्नान भी किया है और उससे लेकिन गुरुदेव ने बताया था कि ये जो तीर्थ स्नान है ये तीर्थ स्नान कैसा है ये बताया कुंजर शौचवत। एक हाथी होता है ना हाथी को देखा होगा आपने जब महावत उसको स्नान करवाएगा अच्छे से स्नान करवा दिया स्नान करने के बाद हटा तुरंत जब वो बाहर आएगा बाहर आते ही देखेगा कि धूल कहाँ पर है धूल अगर नहीं मिलेगी तो पैरों से रौंद रौंद कर धूल बनाएगा और उस धूल को सूंड में पूरा उछालते हुए अपने पूरे शरीर को अभिषेक कर देगा। तो तीर्थों में जो स्नान है तीर्थों में स्नान भी इसी प्रकार का है। एक कीर्तन भी लिखा है कि मन तुम्ही सदा तीर्थ रथ तीर्थ स्थाने भ्रमी बारे चेष्टा करो। लेकिन क्या बता रहे हैं इस कीर्तन में कि तीर्थ स्थान में भ्रमण क्या है केवल मात्र परिश्रम तीर्थ स्थान में भ्रमण करना केवल परिश्रम है इसलिए जेखाने साधु सेखाने तीर्थ जहां पर साधु है साधु के मुख से निश्चित हरि कथा है वो ही स्थान तीर्थ है। और इस तीर्थ में इस हरि कथा रूपी जल में इस हरि कथा रूपी कुंड में स्नान करने से ही सचमुच में तीर्थ होगा। तो हमारे कर्णों की सार्थकता कब है जब हम किसी शुद्ध साधु के मुख से हरि कथा श्रवण करें। उसके बाद में बताया था कि श्रोत्रांजलि रूपस्य
कि ये जो कर्ण का हमारा शेप है, ये कर्ण किस प्रकार के हैं? श्रोतांजलि, इसको देखो एक दोना के रूप में भगवान ने सृष्टि करी है। जिस प्रकार हम दोने के माध्यम से रस का पान करते हैं, उसी प्रकार ये कृष्ण कथा क्या है? ये कृष्ण कथा एक रस है, और इसको इस कर्णों के माध्यम से हमको क्या करना है? पान करना है। जब इस कृष्ण कथा को इस रूप में हम पान करेंगे तो क्या होगा? धुनते कर्म वासना, हमारे हृदय के जितने कलमश हैं, जितने कर्म वासनाएं हैं, जितनी दुर्वासनाएं हैं, वो क्या होगी? धुनते, वो साफ हो जाएगी और हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा। इसके बाद में एक श्लोक में वर्णन करते हुए बता रहे थे, यस्यानलम मकरकुंडल चारुकर्णम भ्राजत कपोल सुभगम सविलाख हासम। यहाँ पर भगवान कृष्ण का जो सुंदर रूप है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि यस्यानलम, उनका आनन अर्थात भगवान कृष्ण का मुखारविंद वो किस प्रकार का है? मकरकुंडल चारुकर्णम, भगवान कृष्ण का मुख अलग अलग अलंकारों से शोभित है और भगवान का पूरा श्रीअंग ही, उनके श्रीअंग पर अलग अलग अलंकार है, किंतु सबसे ज्यादा सौभाग्य किसका वर्णन कर रहे हैं? सबसे ज्यादा सौभाग्य है कुंडल का। और भगवान की कुंडल किस प्रकार के हैं? भगवान की कुंडल है मकर आकृति के, मीन आकृति व मकर आकृति, दोनों आकृति के कुंडल भगवान पहनते हैं। तो मकर कुंडल, मकर जो मगरमच्छ होता है उसकी आकृति के कुंडल भगवान ने धारण कर रखे हैं। और उन मकर कुंडल का सबसे ज्यादा सौभाग्य क्यों है? क्योंकि कृष्ण का मुखमंडल जो है, कृष्ण के कपोल जो कृष्ण के गाल हैं, उनको जब ये कुंडल हिलते हैं तो मानो कृष्ण के गालों को चुंबन कर रहे हैं, उनको चुंबन कर रहे हैं। और जब भगवान तांबुल सेवन करते हैं, तांबुल सेवन करने के बाद में जैसे कोई पान खाता है कैसे गाल गुलगुले हो जाते हैं ना, उसी प्रकार भगवान जब तांबुल सेवन कर रहे हैं, तांबुल सेवन करने पर भगवान के जो गाल है वो भी कितने बड़े गोल गोल हो गए हैं और उस पर ये मकर कुंडल जो है वो चुंबन कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान के रूप को इस प्रकार बताया गया है, रूप कैसा है उनका? वो नित्य नवायमान है, नित्योत्सव, यहाँ बता रहे हैं नित्य नवायमान, अर्थात नित्य नवायमान के लिए गुरुदेव ने बताया था किस प्रकार हम जो है ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, मंगल आरती में दर्शन करते हैं, मध्या भोग आरती में दर्शन करते हैं, शाम में भी दर्शन करते हैं, लेकिन सब समय ठाकुर जी का रूप कैसा लगता है हमको? नित्य नवायमान। आज 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 ठाकुर नया लग रहा है कि नहीं? ठाकुर जी नया लग रहा है ना, पुजारी जी ने हमारे हमारे पूरी अच्छा उनके ताली बजा। तो भगवान का रूप कैसा है? नित्य नवायमान है। एक बार इसके गुरुदेव बता रहे थे किस प्रकार राधा कृष्ण जो है कुंज के अंदर मिले थे और कृष्ण अभी जा रहे हैं, जाते वक्त जो राधा रानी है वो ललिता से प्रश्न करती है, बोले ललिते ये कौन है? बोले ये अभी तो तुम्हारे साथ में थे। बोले ऐसे इनके इतना सुंदर स्वरूप, ऐसा स्वरूप मैंने इनको कभी देखा ही नहीं, ऐसा स्वरूप तो मैंने कभी इनका देखा ही नहीं। राधा जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं उनका रूप कैसा है? नित्य नवायमान। और क्या उनका रूप कैसा है? वो स्वयं को भी मोहित कर देता है। बताया ना विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषम भूषणांगम, कि भगवान कृष्ण जो है उन्होंने अलंकार धारण कर रखे हैं। हम लोग अलंकार धारण करते हैं किस लिए? हमारी हमारी सुंदरता बढ़ाने के लिए, हमारी शोभा बढ़ाने के लिए, किंतु भगवान कृष्ण के जो श्रीअंग पर अलंकार है वो अलंकार किस लिए है? उससे अलंकारों की शोभा है, भूषण भूषणांगम, भगवान कृष्ण के अंगों पर अलंकार होने से अलंकारों की शोभा वर्धित हो जाती है। भगवान कृष्ण जो वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र किस लिए धारण करते हैं? ताकि उनको नजर ना लग जाए। किस प्रकार एक बार बता रहे थे गुरुदेव, चंद्रावली के पक्ष से एक गोपी आई और उस गोपी ने कहा कि आज मैंने कृष्ण का अपने स्वप्न में नख से शिखा तक दर्शन किया और उसके कृष्ण के संपूर्ण रूप माधुर्य का मैंने आस्वादन किया। तो राधा रानी वहां पर वर्णन करते हुए कहती है कि तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है, तुम्हारा बहुत ज्यादा सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि मैं जब श्री कृष्ण का दर्शन करती हूँ उस समय पर अगर मेरी दृष्टि उनके चरण कमल पर पड़ जाती है, चरण कमल के नखाग्र पर भी यदि पड़ जाती है, तो वहां से ही मैं दृष्टि हटाई नहीं पाती और तुमने उनके संपूर्ण श्रीअंग का दर्शन कर लिया, तो तुम्हारा सचमुच में ही बड़ा सौभाग्य है। गुरुदेव बता रहे थे किस प्रकार सूरदास जी, सूरदास जी यद्यपि जड़ चक्षु उनके नहीं है, अंधे हैं वो, किंतु विट्ठल जी जब श्रृंगार करते थे श्री श्रीनाथ जी का, तो किस प्रकार वो उनको सब समय ठाकुर के दर्शन होते थे और दर्शन होते थे वो ठाकुर के दर्शन कर, जैसे जैसे ठाकुर के श्रृंगार हुआ है उसके अनुरूप वो पदों के माध्यम से उसका वर्णन कर देते, गीत गान कर देते थे। तो एक दिन विट्ठल जी के मन में मैंने उनके संशय हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नाटक कर रहे हैं, इनको दिखता हो और जैसे जैसे श्रृंगार होता है वैसा वर्णन कर देते हैं।
तो उन्होंने एक दिन क्या किया, ठाकुर जी को विवस्त्र रख दिया, वस्त्र ही नहीं पहनाए, बस एक मोतियों की माला पहना दी। और जैसे ही पर्दा उठाया तो बोला कि बताओ शुभदास जी, किस प्रकार आज ठाकुर जी का दर्शन है? बोले आज तो ठाकुर जी का दर्शन बहुत ही सुंदर है, आज तो वर्णन में वर्णन करते हुए भी लज्जा आ रही है, ऐसा ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप है। बोले ठीक है, वो तो हम समझ रहे हैं, पर बताओ तो कैसा दर्शन, कैसा श्रृंगार है, कैसे उन किस प्रकार के वस्त्र हैं, कैसे हैं? तब सुभदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज हरि देखो नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजे, छवि देखत को उठत तरंगा। कि आज हरि कैसे हैं? नंगम नंगा। आज हरि क्या है? विवस्त्र हैं। आज उन्होंने कोई वस्त्र ही नहीं पहने। और जल सुत भूषण अंग विराजे, मोतियों की, जल सुत अर्थात मोतियों की माला पहन रखी है, और उनके रूप में जैसे सुंदरता की लहरें उठ रही है। तो भगवान का रूप इस प्रकार का है, नित्य नवायमान है। जब भगवान का इस प्रकार का, जब भगवान गोचरण से आते हैं, उस समय पर गोपियों ने भी कितना सुंदर रूप उनका वर्णन किया है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कितना सुंदर भगवान ने जो है मयूर कुछ धारण कर रखा है, पीतांबर पहने हुए हैं, हाथों में मुरली है, जो ब्रज की गोधूल उड़ रही है उससे मानो भगवान के श्रीअंग पर किसी पाउडर स्वरूप जैसे उनके श्रीअंग पर लग जा रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार सुंदर भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे थे। और जब ऐसे रूप का दर्शन करते हुए यहाँ बता रहे हैं नारियो नरस्य मुदितां कुपिता निमेश्च, कि जैसे गोपियां कहती है गोपी गीत के अंदर कि त्रुटि युगाय थे त्वां पश्यतां कुटिल कुंतल श्रीमुखं चित, कि भगवान कृष्ण के रूप का दर्शन करते हुए उनको जो पलक झपकती है एक निमिष से भी कम, इस पलक झपकने का भी जो समय है उनको कैसा लगता है? बहुत ही दीर्घ समय लगता है। और ब्रह्मा जी को कोसते हुए वहां पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता ही नहीं है, कि इसने जो ब्रह्मा जी ने आंखें बनाई, आंखें कितनी बनाई? सिर्फ दो ही बनाई, और उसके अंदर भी ये पलक झपकती है। तो ये पलक झपकती ये कैसी है? ये हमारे कृष्ण दर्शन में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो इसलिए रसिक व्यक्ति अगर कोई है तो कौन है जो इस पलक को काट के ही फेंक दिया, अर्थात ये पलक जो है पक्की कभी होगी नहीं, हम एक टकटकी लगाकर जो है कृष्ण के रूप माधुर्य का दर्शन करेंगे। ऐसी उन्होंने कृष्ण के रूप माधुर्य की महिमा बताई। उसके बाद में जो है कौन बताएगा उसके बाद में कथा, उसने जो छोड़ दिए। हाँ ये इनको बच्चे को भी खड़े करेंगे, श्यामानंद उसको बोलो, बाद में जो छोड़ दिया उसको बोलो, उसको जो छोड़ दिया ना उसको बाद का बोलो। कौन? तो आज जिक्र काल कौन कही हो तो तुमको याद है, उसको बाद में जो कथा। हाँ बोलो क्या उसको बाद की, उसको रिपीटेशन नहीं करना। हाँ बोलो, खड़े हो जाओ उधर। हाँ इधर खड़े हो जाओ, इधर की इधर खड़े होकर बोलो। हाँ दुनिया देख रहे हैं तुमको, वाह अरे हाँ, तो इधर कर दो, उधर खड़े खड़े हो जाओ, उधर उधर खड़े हो जाओ। श्याम सुंदर प्रभु को थोड़ी बहुत याद आपकी है प्रभु जी, सुना? अगर जैसे दिन में थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी याद करके लेना, कहते ना जैसे एक बूंद बूंद में घड़ा भर जाती है, जैसे आदत डालेंगे जैसे बोलने के लिए, आज एक मिनट बोले कल दो मिनट बोलेंगे उसके बाद में तीन, जैसे बच्चों का पढ़ाते ही कॉलेज में बोलते बोलते तो अभ्यास हुआ ना, इसलिए अब कोशिश करना जैसे कम से कम एक मिनट कथा बोले, जितने कथा को अंदर में एक मिनट बोले, फिर दूसरे दिन देखो आप दो मिनट बोलेंगे, फिर तीन मिनट बोलोगे, इसलिए शर्म की कोई बात नहीं। यहाँ पर तो अपना घर के सब बैठे हुए, सब घर के बैठे हुए, ठीक है प्रभु। हाँ नहीं लाइव में यहाँ पर भागवत कथा सिखा रहे हैं ना, सबको पता चलता है। शुभम तुमको थोड़ी बहुत तो याद है, याद नहीं? तुम तो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते हो, इसलिए रोज कथा को नोट करना, ठीक है? कोशिश करना आप और हमारे श्याम सुंदर प्रभु हैं, श्याम रोज रोज दो दो तीन तीन मिनट जितना कथा के सार लेकर के बोलने के लिए कोशिश करना, ठीक है ना? दो दो तीन तीन मिनट बोलने के लिए कोशिश करना, तुमको तो बाद में बोलना तुम कथा, अभी तुम्हारा नहीं, ठीक ठीक है ना प्रभु जी? इसको याद ऐसे नहीं डर के मारे आओगे नहीं, महाराज बोले नहीं ऐसे नहीं करना, रोज रोज आप दोनों को मैं देखूंगा आओगे नहीं। हाँ बोलो पुजारी जी, तुम रोज रोज कोशिश करना, तो तुम थोड़ी बहुत बोल सकते हो तुम। हाँ हाँ क्या हाँ तैयार सेवा, ठीक है बोलो।
बोलो श्री गुरुदेव जी की जय। इसके बाद गुरुदेव ने बताया कि प्रेम प्रेम के तीन प्रकार होते हैं, साधारण प्रेम, सामंजस्य प्रेम और सामर्थ्य प्रेम। सामर्थ्य प्रेम ठीक है ना। साधारण प्रेम में बताया सामर्थ्य प्रेम, साधारण प्रेम कैसा होता है, जैसे जब कुब्जा, जब ठाकुर जी कुब्जा से मिले तो उन्होंने कुब्जा को गुरुदेव ने कैसे उनकी सर्जरी कर दी, एक पैर चरण पर रखा, कमर पे हाथ लगाया और थोड़ी बड़े झटका मारा, वो एकदम सुंदर नारी बन गई। तो जब वो सुंदर नारी बन गई तो उन्होंने ठाकुर से कहा कि आपने शरीर प्रदान किया है, अब इस शरीर को आप ही भोग सकते हैं। इसलिए यो उनका क्या कौन सा प्रेम था, ये साधारण क्योंकि वो अपने शरीर को देखकर जो ठाकुर जी के द्वारा प्रदान हुआ है वो ठाकुर जी को सौंप रही है। पहले वो शरीर ठाकुर जी के लिए सौंप रही थी, पहले वो कहती है शरीर ठाकुर जी के लिए ही नहीं, क्योंकि वो उस शरीर को अपना सब कुछ मान रही थी, उस आत्मा को कुछ नहीं समझ रही थी। जब ठाकुर जी ने उसको इतना सुंदर शरीर प्रदान कर दिया उसके बाद उसने ठाकुर जी को अर्पण किया। तो ये एक प्रकार का साधन प्रेम है। दूसरा प्रेम बताया गुरुदेव ने सामंजस्य प्रेम। ये सामंजस्य प्रेम है द्वारका के मनीषियों का। द्वारका में इसका प्रेम कैसे होता है कि वो है पति पत्नी का प्रेम, कि जब तक बच्चे नहीं होते तो जब तक उन पति पत्नियों में प्रेम प्रगाढ़ रहता है, उनके बिना नींद नहीं आती, खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, कहीं बाहर नहीं जाते, परंतु जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद वो प्रेम बढ़ जाता है। पति का प्रेम अलग रहता है, पति के प्रति थोड़ा थोड़ा प्रेम कम हो जाता है और बच्चे के प्रति वो प्रेम बढ़ जाता है। तो ये सामंजस्य प्रेम बताया। तीसरा प्रेम बताया सामर्थ्य प्रेम। ये बताया सर्वश्रेष्ठ प्रेम है और ये गोपियों, ये गोपियां ही ठाकुर जी को करती हैं। इसको क्यों बताया, क्योंकि वे हर अपने को संपूर्ण भाव से ठाकुर जी के शरण में अर्पित करती हैं। रहते तो अपने घर में परंतु प्रेम ठाकुर जी करती हैं। खाना बनाती है अपनी रसोई में पर भोग ठाकुर जी को लगाती हैं। श्रृंगार करती है अपने घर में पर श्रृंगार किसके लिए करती हैं, ठाकुर जी के लिए करती हैं। बल्कि हर तरह से संभव सर्वांग अंग से जो सेवा करती है, प्रेम करती है, वे गोपियां ही। तीन प्रकार का प्रेम बताया। उसके बाद गुरुदेव, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी एक श्लोक के द्वारा संपूर्ण भागवत परीक्षित महाराज को सुनाते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि ठाकुर जी मथुरा में प्रकट हुए, उसके बाद ब्रज में चले गए, वहां पर उन्होंने वो गो गोपी गो और जो जितने भी गो उनके बाल सभा थे उन सबको आनंद प्रदान कर वे द्वारका में आ गए। वहां पर उन्होंने ब्रज में, मथुरा में और द्वारका में अनेक अनेक असुरों का वध कर और फिर उसके बाद रासलीला कर वे अपने नित्य धाम को चले गए। ये संपूर्ण लीला उन्होंने एक श्लोक में सुना दी। जब उन्होंने इस श्लोक में सुना दी तो परीक्षित महाराज जी तो सब कुछ देखते रहते, उन्होंने जयकार बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उन्होंने जयकार दिए और उन्होंने पूरा चुप हो गए। फिर इसके बाद ये चुप हो गए। जब चुप हो गए तो परीक्षित महाराज जी कहने लगे कि मेरे तो इष्ट ही कृष्ण देव है, मैं चार दिन से यहाँ पर बैठा हूँ और किसी बैठा हूँ कि उन्हीं की बात सब कुछ कहानी कथा उन्हीं के लिए सुनने के लिए बैठा हूँ और आपने एक श्लोक में करके ही सब कुछ ये पूर्ण कर दिया तो मेरी इसमें तृप्ति नहीं हुई है। जैसे तो, उदाहरण दिया जैसे अगस्त मुनि ने एक चूल भरे में पूरा समुद्र पानी को उन्होंने पान कर लिया, अब तो एक श्लोक बोल करके पूरा की पूरा कृष्ण कथा को आपने सुना दिया। हाँ, तो यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि जैसे एक बहुत तेज गर्मी है, हम बहुत तेज गर्मी में कहीं से आए हैं और हमें बहुत ज्यादा प्यास लगी है, उस ज्यादा प्यास के समय हमें एक गिलास ठंडा जूस मिल जाए तो हम क्या करेंगे, उसको एक ही घूट में एक साथ पी जाएंगे जिससे हमें एकदम शांति मिले। हम दुआ नहीं करेंगे कि इसको घूट घूट करके पिए, धीरे धीरे पिए, क्योंकि धीरे धीरे हम विचलित रहेंगे, क्योंकि वो प्यास हमें इतनी तेज लगी हुई है कि हम उस जूस को एक साथ पी जाएंगे। ऐसे यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी चार दिन से अन्य अन्य कथा उनको सुना रहे थे, तो जब दसवां स्तंभ आया तो उनकी कंठा इतनी बढ़ गई कि वे चाह रहे थे कि कृष्ण कथा को एकदम पी जाए, तो इसलिए उन्होंने एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा का रस को एक साथ में पी गए। दूसरा यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि वे देखना चाहते थे कि परीक्षित महाराज जो यहाँ पे चार दिन से सुनने के लिए बैठे हैं वे पानी पीने के लिए नहीं गए, कुछ भोजन करने के लिए नहीं गए, कोई उन्होंने इधर उधर की बातें नहीं की, सिर्फ सुनते ही सुनते जा रहे हैं, क्या उनके अंदर उस किस कथा को सुनने की उत्कंठा है नहीं है, वे उसको सुनना चाहते हैं नहीं चाहते, कि वे किस लालच से यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए उन्होंने एक श्लोक बोलकर वे चुप हो गए। जब वे चुप हो गए तो जब परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन किया कि मेरी इस श्लोक से तृप्ति नहीं हुई है, कृपया मुझे आप आगे भी वर्णन करें, तो इसके बाद सुखदेव गोस्वामी आगे की संपूर्ण भागवत सुना दें। गौर ब्रह्मानंद चकाचक बोल दिया। देखो ये इसका पहले मुंह नहीं खोलता था, जैसे सुखदेव गोस्वामी बोले नहीं तो 16 साल तक बोले नहीं, और जो मुंह खोले ना 7 दिन तक बंद ही नहीं किया। हाँ, धीरे 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 बोलते बोलते हैं तब धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है। आज दो बच्चे भी बोलेंगे, ठीक है, मैं थोड़ी सी बोल देता हूँ, तुम दो बच्चे और बोलेगा, ठीक।
हाँ ओम अज्ञानतिमिरां धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म निधलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गत कल्य श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव गोस्वामी, अभी उन्होंने एक श्लोक को द्वारा संपूर्ण उन्होंने कृष्ण कथा को उन्होंने पान कर लिए। लेकिन जब श्री परीक्षित महाराज का उन्होंने उत्कंठा को उन्होंने देखी, नहीं सचमुच से ये कथा सुनना चाहते हैं, कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के फिर उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा को उन्होंने प्रारंभ करते हैं दसम स्कंध की। बोले कथितो वंश विस्तारो, इस श्लोक को तुम लोग नोट कर। बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। कहते ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है उसमें उसमें बताया 10 लक्षण बताया, भागवत में 10 लक्षण है। बोले अत्र सर्ग विसर्ग स स्थान पोषण मत, ऐसे करके भागवत का 10 लक्षण है। लेकिन इन्होंने 10 लक्षण में इसका क्रम से धीरे 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 वर्णना करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्रम को छोड़ करके जो आश्रय है तो उन्होंने ये आश्रयों को वर्णना कर रहे हैं। आश्रय मतलब हमारे आश्रय क्या है, हमारे आश्रय बोले ठाकुर ही, ठाकुर जी के चरण ही हमारी आश्रय हैं, कृष्ण कथा ही हमारी ये आश्रय है। इसलिए भागवत में कहते द्वादश स्कंद भागवत है, 12 खंड है, लेकिन 12 खंड में बोले पादव जदीय प्रथम द्वितीय तुर्जियम कथित तद उरु। इसलिए भागवत का जो प्रथम द्वितीय स्कंद ये ठाकुर का 2 चरण है, बोले तृतीय चतुर्थ स्कंध ठाकुर जी का 2 उरु है, पंचम स्कंध नाभि कमल, षष्ठ सप्तम स्कंध 2 भुजाएं, अष्टम स्कंध वक्षस्थल, नवम स्कंध कंठ, दशम स्कंध मुखारविंद और एकादश स्कंध ललाट और द्वादश स्कंध ये सारे। बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो दसम स्कंद भगवान ने किया है, कदी ये ठाकुर जी का ये मुखारविंद है। जैसे एक व्यक्ति को अगर हम पहचानना है, क्या देख करके पहचानते हैं, उसका मुंह को देख करके। अगर किसी व्यक्ति का मुंह ढक दो ना, ढक करके बताओ ये कौन, पहचान पाओगे नहीं। अगर पूरा शरीर ढक दो, केवल उसका मुंह दिखा दो ना, हम पता चले भाई ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति, केवल मुंह को देख करके हमें पता चलता है ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति है। इसका मतलब जो भागवत जो दसम स्कंध है, कदी ये भागवत का ये सार क्या है, बोले सार ये दसम स्कंध है, भागवत का ये सार ये दसम स्कंध है। इसलिए उन्होंने वो दसम स्कंध ही ये आश्रय है, भक्तों का यही आश्रय है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने ये दसम स्कंध जो आश्रय है, ये आश्रय को यहाँ पर वर्णना कर रहे हैं। और भगवान एक होने पर भी कहते उनका 3 धाम है, उनका 3 स्वरूप है। यही कृष्णा जो द्वारका में रहते हैं, कहते ये पूर्ण है, लेकिन यही कृष्णा
जब वो मथुरा में रहते हैं कदी ये पूर्ण ता रहे, जब यही कृष्णा वृंदावन में रहते हैं कदी ये पूर्ण तम है। बोले ऐसे क्यों? इसका तात्पर्य किया, बोले कृष्ण जब द्वारका में रहते हैं वहां पर सबके सब कृष्ण को क्या मानते हैं? ये द्वारकाधीश है। ये कौन है? ये द्वारकाधीश भगवान है। सबके सब भगवान को स्तुति स्तव करते हैं, हैं हाथ जोड़ करके भगवान को, इसलिए वहाँ ज्यादा ऐश्वर्य का भाव है। लेकिन वही कृष्ण जब मथुरा में आते हैं, कहते मथुरा में वहाँ पर पिता माता हैं, हैं वहाँ पर पिता माता हैं, महिषियाँ अपना बच्चे हैं, उस समय में भगवान होने पर भी मानने पर भी, लेकिन वहाँ पर पिता माता कृष्ण को क्या मानते हैं? ये हमारे लाला है, ऐश्वर्य तो रहता है, रहने पर भी कभी जद्य भी भगवान, लेकिन ये हमारी लाला है। जैसे महिषियाँ क्या समझती है, जानते कृष्ण भगवान, लेकिन ये हमारी ये प्रियतम है, हैं बच्चे लोग क्या मानते हैं? ये हमारे पिताजी है। यहाँ पर थोड़ा आधा ऐश्वर्य और यह आधा माधुर्य है, लेकिन यही कृष्ण इसलिए पूर्णतर। लेकिन जब कृष्ण ब्रज में रहते हैं ना, कृष्ण को कोई भी वहाँ पर भगवान नहीं मानते, कोई नहीं। सखा लोग तू किस चीज के बड़े, बता तेरे पिताजी का कितना श्रीधाम, तेरे पिताजी का कितना धेनु? बोले 9 लाख, मेरे पिताजी का 11 लाख। जब हम कुश्ती लड़ते ना, तेरे को परास्त कर देता हूँ, तू किस चीज के बड़े। इसलिए कृष्ण सबका झूठन खाते हैं, कृष्ण को घोड़ा बना देते हैं, मैया उनका डांटती हैं, डपटती हैं, शासन करती है, कान मोल देती हैं, चोर छोटे झूठे लवार सब बोलती हैं मैया उनको। जैसे कि स्वाभाविक रूप में माँ जैसे बच्चों को शासन करती हैं, और गोपियों को तो चरणों को नीचे कृष्ण स्वयं गिरते हैं। इसलिए कहते हैं एक ही कृष्ण होने पर भी तीनों धाम में उनके अलग 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 प्रकाश हैं इनकी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अभी ये जो श्लोक में कह रहे हैं, बोले कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो। कहते भागवत में विशेष करके दो वंशों की कथा आई है, एक सूर्य वंश की और एक चंद्र वंश की। और सूर्य वंश में भी बहुत बड़े बड़े राजा हुए, उनकी बड़ी बड़ी पराक्रमी पराक्रम की कथा भागवत में आई है, बड़े बड़े पराक्रम बड़े बड़े योद्धा हुए हैं। और चंद्रवंश में भी बड़े बड़े योद्धा लोग हुए, उनके भी पराक्रम की बात बताई। लेकिन बताने पर भी लेकिन सबसे सुंदर कथा किसकी है? कृष्ण कथिए सूर्य वंश में भगवान राम की, इनकी जितने सुंदर प्यारी कथा है, और चंद्रवंश में जो कृष्ण की जो सुंदर सुंदर प्यारी कथा है, और इन दोनों का कथा सबसे श्रेष्ठ कथा है। बड़े सुंदर ठाकुर जी राम और कृष्ण रूप में, ठाकुर जी बड़े प्यारी बड़े मधुर ठाकुर जी लीला ठाकुर जी किए हैं, भक्तों का प्रेम में जो वशीभूत होने हुए हैं, केवल राम और कृष्ण लीला में किए, भक्तों की भक्त वात्सल्यता भक्तों का प्रेम में वशीभूतता ये दोनों लीला में हुई हैं। दोनों लीला में उनकी विशेष पूर्वक उनकी माधुर्य प्रकाश पाए। तब फिर कहते बोले जदोश्च धर्मशीलस्य नितरांग मुनि सत्तम तत्रांसेन अवतीर्णस्य विष्णुर्बीर्जानी संसन। यहाँ पर कहते कृष्णा कौन सा वंश में आए? बोले जद्दु वंश में आए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जदुश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तम। ये जो जदु है ये बड़ा धर्मशील, और ये मुनि सत्तम सर्वश्रेष्ठ मुनि, इसलिए भगवान उन्होंने जदु वंश में ही आए ठाकुर जी। लेकिन साधारण रूप में देखोगे ना, जो संसार की दृष्टि से जदु महाराज को कोई धर्मशील नहीं बताएगा। बोले क्यों नहीं बताएगा? कहते इनकी जो कथा है, हैं इनके पिताजी का नाम था जजाति, जजाति महाराज। ये जजाति महाराज एक समय क्या हुआ, ये जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो देखा एक कुएं में एक लड़की रो रही है, बड़ी करुण स्वर से रो रही थी। जदु महाराज सुन करके वहाँ पर गए, देखा एक बड़ी सुंदरी लड़की कुएं में, लेकिन विवस्त्र होकर के पड़ी हुई है, ये विवस्त्र होकर के पड़ी हुई। तब जदु महाराज को बड़ा दया आई, तब उन्होंने उसको अपना पगड़ी को खोले, उसको रस्सी रूप में फेंके, लड़की को बोले तुम जोर से पकड़ो, और जो उन्होंने पकड़ी, फिर उन्होंने जब ऊपर उठाए उसका हाथ को पकड़ करके उन्होंने ऊपर में उठाए। जब ऊपर में उठाए इतने में वो लड़की कहती है, बोले महाराज जीवन में आप पहला बार मेरे हाथ को पकड़े हो, लेकिन ये हाथ को छोड़ना नहीं, ये हाथ को छोड़ना नहीं। क्यों? मेरे हाथ को
पहले तो लड़कियों का हाथ, अभी जैसे हैंड सब करते हैं, पहले सब थोड़ी था, कोई नहीं ये सब चीज़ नहीं थी, पहले सबके समय नमस्कार करते थे। एक बार अगर किसी पुरुष किसी स्त्री को स्पर्श कर दिया तो किसको स्पर्श करते थे? अपना पत्नी के सिवाय और किसको स्पर्श नहीं करते थे। स्त्री भी कभी अपना पति को छोड़ करके कभी दूसरे पुरुष को कभी भी स्पर्श नहीं करती थी, क्यों? नहीं तो सती तो नष्ट हो जाएगी इसकी। इसलिए बोले तुम जीवन में पहला बार तुमने मेरी हाथ को पकड़े हो और मेरे हाथ कभी तुम छोड़ना नहीं। बोले तुम है कौन? बोले मैं शुक्राचार्य के बेटी हूँ। बोले ऐसी अवस्था क्यों हुई? ऐसी अवस्था में क्यों नंगी होकर क्यों कुएं में पड़ी हुई थी? तो उन्हें सारी कथा सुना है। कहते हैं मैं, कहते श्री है, कहते एक समय हमारे जो पिताजी, कहते एक समय शर्मिष्ठा और इसका नाम थी देवजानी, और जो शर्मिष्ठा थी वो थी राजकुमारी है, ये थी राजकुमारी, और ये जो देवजानी राजा की जो पुरोहित रूप में शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य की बेटी थी ये देवजानी। जैसे होता है ना, कहते चलो आज पिकनिक बनाने के लिए जाएंगे और सबके सब एक रंग का कपड़ा पहनना है, बोलते ना एक रंग की कपड़ा पहन करके आना, सबके सब हम एक रंग के कपड़ा पहन करके हम पिकनिक करने गए थे, और क्या हुआ, नदी किनारा में सरोवर के किनारा में हमने सबके सब कपड़ा उतार करके रखे, रख करके स्नान करने के लिए गए। अभी स्नान करके शर्मिष्ठा जो राजकन्या थी उठने से पहले मैं पहले आ गई, कपड़ा सभी का एक रंग का था, पता ही नहीं चला, मैंने भूल से मैंने शर्मिष्ठा की मैंने वस्त्र पहन लिया। अभी शर्मिष्ठा जब उठ करके आई उधर राजकुमारी देखा, मैंने जहाँ वस्त्र रखा था वस्त्र है ही नहीं, देखा वो वस्त्र को देवजानी पहनी हुई, पुरोहित की बेटी और राजा की बेटी है। बोले तेरी इतना साहस कैसे हो गया हैं? तेरे पिता मेरे पिताजी के पुरोहित का काम करते हैं, इतना तेरी हिम्मत, और तू राजकुमारी के कपड़े तुमने पहने, तेरे शर्म नहीं लगती है? इतने में देवजानी को रहा नहीं गई। बोले तेरे पिताजी राजू तो कर रहा है ना मेरे पिताजी की कृपा से, मेरे पिताजी नहीं होता ना, तेरे पिता भी राजू तो नहीं कर सकते थे, इसलिए मेरे पिताजी की कृपा आशीर्वाद से तेरे पिता राजा बने हैं। अभी ये एक बात से दो, दो से तीन, तो रे करते करते ना लड़ाई हो गई। तो अभी शर्मिष्ठा उसको साथ में अपना सहेली और देवजानी अकेली, इन लोगों ने क्या किया, उसके कपड़े उतार करके सीधा कुएं में उसको फेंक दिया। जब कुएं में फेंक दिया, मेरे को कुएं में फेंक दी, इतने में इसलिए मेरी ये अवस्था। बोले तू तो फिर तू ब्राह्मण कन्या हो गई। बोले हाँ जजाति महाराज। बोले मैं तो राजा है, पहले क्या होता था, ब्राह्मण कन्या को कौन ग्रहण करता था? ब्राह्मण ही स्वीकार करता था। राजा किसको? राज कन्या को, क्षत्रियो को ग्रहण करते थे। नियम होता था अपने जाति में ही शादी होती थी, पहले तो लव मैरिज थी नहीं, जिसको इच्छा पसंद कर लो और उसको साथ में भाग जाओ, पहले तो सब था नहीं। इसलिए बोले देखो मैं तो राजकुमार हूँ, अब तू तो ब्राह्मण कन्या, तो तेरे साथ में मेरे से शादी कैसे हो सकती है? तब उन्होंने फिर अपना पूर्व कथा सुनाए और बहुत लंबी कथा है। बोले कच ने मेरे को अभिशाप दिया है, ये कच ने मेरे को अभिशाप दिया, तेरी शादी किसी ब्राह्मण कुमार से नहीं होगा, दूसरे जाति से होगी। इसलिए कच ने मेरे को, लंबी कथा बहुत अच्छी कथा है, इसलिए होगा, इसलिए मेरी कोई ब्राह्मण को साथ में शादी नहीं होगी। अभी उन्होंने शादी उनको की, जब शादी की वो वापस आई और अपना पिताजी को सारी बात सुनाई, ऐसे ऐसे पिताजी हमको विवस्त्र करके कुएं में डाल दिया, बड़ी गंदी गंदी गाली दी। इतने पर पिताजी सुन करके तो राजा को बोले, राजा मैं जा रहा हूँ तुम्हारा देश छोड़ करके। राजा ने देखा अगर ये शुक्राचार्य चले जाएगा फिर तो दूसरा राज्य आकर आक्रमण कर देंगे, गुरु अगर नाराज हो गए तो। उनने प्यार पकड़ करके बोले आप जो कुछ मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्य छोड़ करके मत जाया करो। बोले मेरे बेटी को पूछो क्या चाहती है। बोले बताओ तुम क्या चाहती हो। बोले मैं जब शादी करके जाऊंगी जजाति महाराज को साथ में, आपका जो बेटी मेरी दासी बन कर जाएगी। अभी राजकुमारी को तो दासी बनना ही पड़ा, शर्मिष्ठा को दासी बनना पड़ा। जब दासी बनना पड़ा, शर्मिष्ठा तो राजकुमारी देखने में बड़ी सुंदरी है, अभी इसने छुप करके जजाति महाराज से बोले, बोले महाराज जजाति आपको सब कुछ पता, मैं राजकुमारी, लेकिन बेचारे में बीच में फंस गए, फंस कर किसकी दासी बन करके आई, इसलिए आप कृपा करके मुझे भी संतान प्रदान करना। लेकिन देवजानी का तो हुई दो बेटे, लेकिन शर्मिष्ठा की
राजा क्या करते थे, छुप छुप करके शर्मिष्ठा से मिलते थे, इसलिए इसकी औरत से हुए 3 बच्चे। और ये राजा, ये राजकुमारी, पिता माता जैसे होंगे बच्चे भी वैसे होंगे। ये राजा रानी, इसका बेटे इतने सुंदर थे, देखने में राजकुमार जैसे। एक दिन दूर से ये देवजान ने देखा 3 बच्चे राजकुमार चमचमाते हुए बड़े सुंदर बच्चे खेल रहे। उनने दासी को बोले, इतने सुंदर बच्चे किसके हैं, तो राजकुमार जैसे देख रहे, पता लगाओ तो क्या चक्कर है। उन्हें जब पता लगाया ना, पता चला ये किसके बच्चे हैं, ये शर्मिष्ठा के बच्चे हैं। किसके बच्चे? शर्मिष्ठा के बच्चे। बोले शर्मिष्ठा के बच्चे, पता चला ये राजा जाकर छुप छुप करके मिलते हैं। बोले मेरे को तुमने दिया 2 बच्चे और उसको दिया 3 बच्चे। उसने जाकर के पिताजी को नालिश कर दिया, पिताजी ऐसे ऐसे मेरे ये दासी बन करके आई और ये राजा जाकर छुप छुप करके मिलते उसको 3 बच्चे दिए, अरे मेरे को 2 बच्चे दिए। और पिताजी का तो बड़ा क्रोध आया, उसने अभिशाप दे दिया, बोले जा तू एकदम बुढ़ापा हो जाओगे, हैं नपुंसक बन जाओगे, तेरी कोई पुरुषत्व तो नहीं रहेगा। अभिशाप दिया दिया तो जवानी में ही हो गए बूढ़े, पूरा जर्जरा जैसे बूढ़े हो गए, सारे नपुंसकत्व बन गए। लेकिन शरीर तो नपुंसकत्व हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन मन थोड़ी बूढ़ा होता है, मन तो हर समय जवानी रहती है, हैं ये मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। इतने में राजा ने फिर गए शुक्राचार्य के पास में, बोले ससुर जी आप तो मेरे को अभिशाप दे दिए हैं, लेकिन अभी जो आपकी जो बेटी जो देवजानी अभी तो जवानी है, वो जवानी उसका हृदय से संसार की वासना गई नहीं, दे दिया तो अभिशाप, लेकिन कष्ट किसको होगा, आपकी बेटी को भी कष्ट होगी और मुझे भी कष्ट होगा, इसलिए कुछ व्यवस्था करो। प्यार पकड़ कर रोने लग गए, देवजानी को प्यार में भी पकड़ कर रोने लग गए, पिताजी को मनाओ। बोले मैं तो अभिशाप दे दिया, बाकियों को तो लौटा नहीं सकता हूँ, एक काम कर सकता हूँ, अगर आपकी बुढ़ापा कोई ले करके आप किसके जवानी ले सकते हो, इतना मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ। तब उन्होंने अपना बच्चों के पास में गए, सबसे बड़ा बेटा था ये जदू, जदू के पास में बोले बेटा अभी मैं तो बुढ़ापा शरीर हो गया लेकिन मन अभी बुढ़ा नहीं हुआ है, इसलिए तो मेरे को अपना जवानी देकर मेरे बुढ़ापा ले सकते हो, लेकिन यहाँ का तो जदू से धर्मशिला से, लेकिन जो बड़ा बेटा था ना सारे शास्त्र ज्ञान उसके पास में था, सारे तत्व दर्शन वो जानता था। बोले पिताजी ये जो मानव शरीर मिला है ये सहज में ये मानव शरीर नहीं मिलता है, कहते ये 84 लाख ब्रह्म के ये नरतनु दे, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ठाकुर ये मानव शरीर देते हैं, ये मानव शरीर क्या है, बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा, ये मानव शरीर ठाकुर किस लिए दिया, विषय भोग के लिए नहीं दिया है, कहते ये 84 लाख जन्म के बाद में ये जो मानव शरीर मिला है, कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा इसी जीवन में ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इसी जीवन में ठाकुर का भक्ति करके संसार से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और किसी जीवन में मुक्ति नहीं, मुक्ति का दरवाजा सब जीवन में बंद है, किसी जीवन में जीव को संसार से उद्धार नहीं, केवल मानव शरीर से। अगर ये मानव शरीर अगर मिला मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अगर आप बोलते मैं भजन करना चाहता हूँ तब मैं आपको ये जवानी दे सकता हूँ, लेकिन आप जवानी किस लिए लेना चाहते हो, संसार का विषय भोग करने के लिए हैं, भोग करने के लिए। उदाहरण दिया जैसे आग है, आग में घी डालोगे बताओ आग बुझेगी ना, धधकी धधकेगी, ये विषय ऐसे है ना, जितने तुम विषय भोग कर लो ये मन कभी शांत नहीं होता है, जैसे आग में घी डालने पर वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है आग, उसी तरह कामना वासना बढ़ती रहती हैं, इसलिए पिताजी आपको मैं जवानी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये जीवन भजन के लिए मिला। और दूसरी बात है, आप मेरी जवानी लेकर करोगे क्या, जो देवजानी मेरी माँ लगेगी, देवजानी मेरी माँ, अब मेरे माँ को साथ में आप भोग करोगे, बेटे के जवानी लेकर के अब माँ को साथ में भोग करोगे, ये धर्म ना अधर्म है, ये संपूर्ण ये अधर्म है, इसलिए मैं नहीं दे सकता हूँ। तो वो जजाति को तो बड़ा क्रोध आया, बोले अगर तुम मेरे को जवानी नहीं दोगे तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ। नियम होता है बड़ा बेटा पिता के बाद में बड़ा बेटा ही राज सिंहासन में बैठता है, मैं तेरे को अभिशाप देता हूँ, मेरे बाद में इस सिंहासन में तेरा कोई अधिकार नहीं। उन्होंने बोले कोई बात नहीं, मेरे को
राज सिंहासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान की भजन चाहिए। क्योंकि ये जीवन एक बार नष्ट हो गया तो ठाकुर जी बारंबार ये मानव शरीर नहीं देते, हम तो मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं। इसलिए लेकिन दिया किसने, उनका जो छोटा बेटा सबसे था उसका नाम था पुरु, उसने ये जवानी दिया, उसने जवानी दिया, लेकिन इन्होंने जवानी नहीं दिया क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए। इसलिए ठाकुर जी इतने रीझ गए इसके ऊपर में, भगवान कृष्ण इतने रीझ गए, बोले बेटा तुम मेरे सेवा के लिए मेरी भक्ति के लिए अपना पिताजी का आदेश भी तुमने पालन नहीं किया, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, मैं तेरे वंश में आऊंगा। इसलिए ठाकुर जी प्रसन्न होकर के जदू वंश में भगवान आए, बोले श्री जदू वंश कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जदो स्व धर्म शीलस्य, लेकिन साधारण रूप में साधारण लोग क्या बोलेंगे, अरे पिता स्वर्ग पिता क्या पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता स्वर्ग पितरि परम धर्म, इसलिए लोग बोले अरे पिताजी का बात नहीं सुना, ये कोई बेटा का कर्तव्य, पिताजी का आदेश पालन नहीं किया। साधारण लोग बोले पिताजी की सेवा करना चाहिए था, पिताजी मांग रहे थे, बोले नहीं, कहते वही पिता पिता है, हैं गुरु नश्यात सो जनन नश्यात, पिता नश्यात दैवम न तत् सब न पतिम सस्यात न मुचेत ज समपेत मृत्यु, कहते जो सामने जो मृत्यु खड़ी हुई, अगर ये मृत्यु से अगर कोई हमें बचा नहीं पाए तो कहते वो पिता पिता नहीं, वो माँ माँ नहीं, भाई भाई नहीं, बंधु बंधु नहीं है, इसलिए वो परिवार परिवार नहीं, हमें जो मुक्ति के मार्ग नहीं दिखाए। इसलिए उन्होंने पिताजी को उन्होंने आदेश उन्होंने पालन नहीं किया, लेकिन ठाकुर जी का सेवा उसने किया। इसलिए कहते जो जो जदु महाराज कौन है, ये जदुस्व धर्मशीलस्य नितराम मुनि सतम, मुनि उत्तम मुनि है, क्यों कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने जीवन को उन्होंने प्रदान किया। बोले तत्रांसे न अवतीर्ण स विष्णु विज्ञानी न संशय, भगवान इनके वंश में कैसे आए, बोले तत्र अंसे न अवतीर्ण से, ठाकुर जी इनके वंश में पूर्ण रूप में नहीं आए, ठाकुर जी अंश रूप में आए। पूर्ण रूप में कहाँ आए, कृष्ण गोकुल में नंद के लाला बन करके, गोकुल में जसोदा दुलाला बन करके ठाकुर जी वहाँ पूर्ण रूप में आए, लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी अंश रूप में, उन्होंने जदु वंश में ठाकुर जी अंश रूप में ठाकुर जी आए हैं। इसलिए और एक अर्थ इसका कहते तत्र अंश है ना, यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज कहते सुखदेव गोस्वामी कि जो कृष्ण कथा है ना, जगत में किसका हिम्मत नहीं पूरी कृष्ण कथा को वर्णन कर सके, कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंत है, भगवान की कथा अनंत देव अनंत मुंह से अनंत काल से अनंत कथा को वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी ठाकुर का कोई अंत नहीं पाए। इसलिए तत्र अंशे न, इसलिए आप जथा समर्थ उसी समर्थ का अनुरूप क्या करो, अब हमें कृष्ण कथा को अपने कृपा करके हमें कृष्ण कथा और सुनाओ। तो उन्होंने कृष्ण कथा उन्होंने उनको श्रवण कराया। इसलिए फिर हम कल से इसको बाद में फिर कथा सुनेंगे, आज हमारे तीन बच्चे कथा सुनाएंगे आपको। कितना बच्चे कथा सुनाएंगे, हाँ छोटे छोटे बच्चे खड़े हो जाओ, तो बच्चा देखा एक छोटा बच्चा, कल मैंने कथा सुनाया था ना भूत की कथा, ये बच्चा आज भूत की कथा सुनाएगा। अच्छा तो ओ माइक दे दो, तो माइक खोल कर दे दो, इसको इसको बंद कर दो, तो बंद हो गया।